उत्तराखंड सरकार द्वारा आज से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। हल्द्वानी शहर में भी नाइट कर्फ्यू का असर दिखाई दिया। 10:30 बजते ही शहर की सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो गई। इसके साथ ही होटल रेस्टोरेंट सहित सभी दुकानें भी बंद नजर आई। नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस की गाड़ियां लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक न घूमने की हिदायत भी दे रही है। इसके अलावा SSP भी पुलिस टीम के साथ शहर का जायजा लेने निकली। इसके अलावा प्रशासन की टीम ने भी शहर में घूमकर जो दुकान खुली पाई गई उन्हें सख्ती से बंद कराया। पुलिस और प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू का पालन कराने का निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जिले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। ठीक 10:30 बजे से पूरी तरह बाजारों में आवाजाही बंद हो गई। इस दौरान नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन और मास्क न पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान किए गए। पुलिस की ड्यूटीज लगी हुई है, जितने भी हमारे चौराहे हैं वहाँ पर, और हम लोग GOs भी हैं, मैं स्वयं भी हूँ, उसका पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है। और काफ़ी लोग इसमें ऐसे हैं जो अभी रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं या किसी को अपना बस पकड़नी है, उस तरीके के लोग भी हैं, तो उनको भी बताया जा रहा है। और जो लोग अनावश्यक अगर लग रहा है कि कोई घूम रहा है तो उनके चालान भी कर रहे हैं, और कई लोगों को अभी पूरी तरीके से पता भी नहीं है इसका, तो उसके बारे में भी उनको बताया जा रहा है।